बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सर, वो वेलकम इसलिए नहीं कर सके कि उन तक मेरा सलाम पहुंचा ही नहीं सर। हाँ जी, वो सर अभी जैसे बात हो रही थी, मैं इससे पहले कि अपने टॉपिक की तरफ जाएं और जो हमारे लोग माशाल्लाह लाहौर से भी और बाकी जगहों से भी आए हैं उनको फर्दर इसके अंदर इन्वॉल्व करें। जैसे ब्रिगेडियर आबिद चीमा साहब ने कहा कि हमें तो कंपैरिजन जो है हम खुद नहीं करते कंपैरिजन, और हम अपने आप ही हमने अपना कंपटीशन रखा हुआ है और अपने आप को हम खुद से कम्पीट करके आगे ग्रो करें। लेकिन आप ऑफ कोर्स कंपैरिजन कर सकते हैं। मैं पिछले दिनों, हमारे एक दोस्त भी हैं हमारे साथ काम भी करते हैं, तो वो घर तशरीफ लाए हुए थे, तो वो मुझे कहते हैं कि जी तुसी जो मेंबर्स उन्होंने उन्होंने गलत आदत पाती है। मैंने कहा कैसे आप डाल दी, तो उन्होंने फिर कहा कि जी मैं डेफिनेटली इधर इन्वेस्ट करता हूँ। तो दिस इज़ आई थिंक समथिंग कि वी हैव अचीव्ड ओवर द पीरियड। ऑफ कोर्स हमें जो क्लाइंट्स हैं उनको ये चीज़ें बताना भी बड़ी ज़रूरी है कि हम इसको किस तरह डिफरेंटली अचीव कर रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्लॉट्स कि हम इन प्लॉट्स को लेके चल रहे हैं, हम अपने हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के ऊपर पूरा फोकस्ड हैं, एडवेंचर और टूरिज्म और माशाल्लाह जो जितना आज मैंने डिटेल्स में मुझे भी चीज़ें पता चली हैं, ये मुझे भी इससे पहले चीज़ों का नहीं पता चला। इससे पहले मलिक साहब जो हैं वो ऑफ कोर्स अदारों के बारे में बात कर रहे थे, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर ये जो अदारों के साथ डील करना है, ये एक जिसे कह लें कि एक ऐसा पर्क है जो आपको लेना ही पड़ता है अदारों के साथ डीलिंग में। ये बेसिकली तो आपको फैसिलिटेट करने के लिए बने होते हैं, वो हमें फैसिलिटेट करने के लिए बने हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो हमारे अदारे हैं वो हमको उनको फैसिलिटेट करना पड़ता है, और वो बेसिकली तो वो हमारे ऊपर जो है वो चौधरी वाला काम शुरू हो जाता है। वो चौधरी, वो भी चौधरी इस तरह के कि वो एक चौधरी साहब हैं, वो उन्होंने जो है ना अपने गांव में एक दावत रख दी। अब वो उन्होंने जब दावत रखी, उन्होंने अच्छा खासा खाना शाना बनवाया, सारे लोगों को बुला लिया, खाना शाना खा रहे थे, तो हर बंदे के पास जाएं, अब वो खाने के अंदर नमक कहीं ज़्यादा उनसे डल गया, काफ़ी ज़्यादा था। अब कोई चौधरी साहब को कुछ कह नहीं सकता, जैसे हम कुछ अदारों को कह नहीं सकते कि ये तो आप गलत कर रहे हैं। तो हर बंदे के पास जाएं, उन्हें कहें जी तुम खाना खाओ, मैं 10 लाख रुपया लाया। वो दूसरे के पास जाओ, जी खाना खाओ, मैं 10 लाख रुपया लाया। एंड में गए हैं, उधर एक मरासी बैठा हुआ था, शीदा बेचारे का नाम था, कहते शीदा खाना खा, मैं 10 लाख लाया। शीदा कहता है जी जी चौधरी साहब, 1 लाख रुपये तो लू नहीं पाता तुम। तो वो हम जो है ना उनको कुछ कह भी नहीं सकते, उनकी बातें भी माननी पड़ती हैं। माशाल्लाह सर, जैसे अभी हम अपने जितनी भी टीम थी, और आई एम ऑल्सो वेरी प्राउड कि हम इतने प्रोफेशनल जो हमारे जो लोग हैं उनके साथ मिल के काम कर रहे हैं। हमारी जो टीम है, जनरल साहब की अचीवमेंट्स की बात करें, ब्रिगेडियर चीमा साहब की अचीवमेंट है, हमारे जो गौहर साहब हैं, हमारे जो साइड के स्टाफ हैं, आपकी अपनी अचीवमेंट जो आप हमेशा छुपाते हैं, तो उसकी उसका देर इज़ नो कंपैरिजन। और इसी वजह से इस प्रोजेक्ट को हम बड़ी अच्छे तरीके से आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन सर, मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे साथ काम कर रहे हैं हमारे सेल्स पार्टनर्स, ये भी अपनी अपनी फील्ड में इन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट की हुई है माशाल्लाह, और ये इन्होंने ऐसी टाइम पे स्टार्ट किए और बड़े शॉर्ट टर्म में इन्होंने बहुत कुछ गेन किया। और आज इनमें से बहुत सारे, जो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अब जितने भी नए प्रोजेक्ट आते हैं उनका सबसे पहला काम ये होता है कि जी वो स्मार्ट सिटी की जो सेल्स टीम है, जो सेल्स पार्टनर हैं, उनको वो किसी तरह ऑन बोर्ड कर लें। तो इनकी भी माशाल्लाह बड़ी अचीवमेंट है, और जब ये दोनों टीमें मिल गई हुई हैं तो ये बड़ा अच्छे तरीके से हम इंशाल्लाह इन चीज़ों को आगे लेके भी चलेंगे। सर, रिगार्डिंग आई स्टिल रिमेम्बर के इन 2018 जब हमने ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट वगैरह शुरू किया, तो अदील साहब साथ थे हमारे, राना उस्मान साहब वो आज आए नहीं है, वो फिर मेरे ख्याल से आए हुए, मैं इनका फिर अचानक शादी की वजह से नहीं आया। तो हम बैठे हुए थे, तो हमने जो है वो अपना ग्रुप बना रहे थे, तो डीलर्स का नाम जो है हमें उस टाइम पसंद नहीं आया। तो आई सेड कि हमें ये जो नाम है वो सेल्स पार्टनर रखना चाहिए, बिकॉज वी शुड बी पार्टनर्ड इन ईच एंड एवरी थिंग। हम जो सेल्स की स्ट्रेटजीज जो भी बनाएं, हम एज अ पार्टनर उसमें काम करें। तो आई थिंक के सर, ये जो नया काम आ रहा है पार्टनरशिप वाला काम, आई थिंक ये हमने सेल्स पार्टनर बनाया, उसके बाद सब लोगों ने सेल्स पार्टनर को फॉलो किया, फिर हमने स्ट्रेटजिक पार्टनर्स बनाए, सब लोगों ने स्ट्रेटजिक पार्टनर्स को फॉलो किया। इंशाल्लाह तो ये जो टीम है ये हमारे साथ एज अ एग्जेक्टिव पार्टनर जो है वो इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करेगी।
और मेरी सर आपसे ये रिक्वेस्ट होगी, हाँ जी मेरी सर आपसे ये इसमें आपसे रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारा एग्जेक्टिव पार्टनर बनता है, हम उसको ये जो रीसेल और कोटा वाले जो झंझट है ना सर, उससे हम निकाल दें। हम उनको जो है उनके इस डेडिकेटेड पार्टनरशिप के ऊपर जो है, हम उनको अबव ऑल ओबलाइज करेंगे जो हमारी सेल्स के लिए भी प्रोडक्ट आती हैं इंशाल्लाह। सर थैंक यू वेरी मच। सर इसमें क्योंकि ये हमारे पास मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, जिसके अंदर ये पार्टनरशिप हो सकती हैं। इसके अंदर हेल्थ और एजुकेशन का भी सेक्टर है, इसमें आईटी का भी सेक्टर है, इसके अंदर जो है हमारे पास एडवेंचर एंड टूरिज्म का सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस है जिसमें होटल्स हैं, प्लस हमारे पास कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम कमर्शियल बिल्डिंग्स भी हैं, हमारे पास जो हैं वो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स भी हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। ऑल दो सर ये जितने भी लोग हैं सारे अपनी दिलो जान से काम करेंगे, और जितने भी अपने इन्वेस्टर्स हैं उनको ऑफ कोर्स ये सारा का सारा इन पार्टनरशिप के हवाले से पिच करेंगे। लेकिन क्योंकि ये अभी जो लाइव ब्रॉडकास्ट भी जा रहे हैं और काफ़ी हमारे मेंबर्स भी सुन रहे हैं, हमारे सेल्स पार्टनर भी काफ़ी लाइव जो हैं वो इसके अंदर सुन रहे हैं, तो अगर हमें आप क्विकली छोटा सा एक सनॉप्सिस बता दें कि हम ये किस तरह की इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप हो सकती हैं, किस तरह से हमारे JV पार्टनरशिप हो सकते हैं, कोई मॉडल थोड़े से बता दें, उसके बाद हम जो डिटेल होंगी उसके ऊपर हम सर बात कर लेंगे इंशाल्लाह। जी मुजीब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा इसमें इस तरह है कि जिस तरह बगेड़ी चीमा साहब भी बता रहे थे, लेकिन मुख्तलफ जो है ना डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए डिफरेंट इन्वेस्टमेंट मॉडल होंगे। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल कॉलेज जब बना रहे हैं, इस तरह शफा बना था वो 50+ डॉक्टर्स ने मिल के बनाया था, ऐसे ही हम कोशिश करेंगे कि अमेरिका से, यूके से, यूरोप से जो डॉक्टर्स प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं उनको हम ऑन बोर्ड करें। 50% इन्वेस्टमेंट अपने पास से करें, 50% इन्वेस्टमेंट जो है वो उन डॉक्टर्स को हम ऑन बोर्ड करें, उनका एक शेयर हम रख देंगे कि इतने परसेंट शेयर जो है वो एज़ पर इन्वेस्टमेंट वो हर डॉक्टर का होगा या हर इन्वेस्टर का होगा, तो उनको फिर लाइफ टाइम इंशाल्लाह हम उनको बेनिफिट देंगे। और इस तरह वो होगा ना, इस तरह मेडिकल कॉलेज है उसमें भी हॉस्टल में भी हम 50% पार्ट हमारा ख्याल है, जाहिर साहब का ख्याल है, हम खुद करेंगे इन्वेस्टमेंट। क्योंकि देखिए मोस्टली आज तक जो हमने काम किया है, जो 27,500 एकड़ हमने तक पहुंच गए हैं और लाहौर भी माशाल्लाह हम काफ़ी आगे जा रहे हैं, आज तक हमने हमारा पार्टनर कोई नहीं है, हमने खुद काम किया है माशाल्लाह। और जो हमारे सेल पार्टनर्स हैं, हमारे मेम्बर्स हैं, उन्होंने ज़ाहिर है हमें सपोर्ट किया, मगर हमारा एज ए पार्टनर कोई नहीं है हमारे साथ ना। ये जो सारे काम हम करने जा रहे हैं वो अब मैं आपको कॉन्फ्रेंस से कह रहा हूँ आज बैठे हुए स्टेज पे कि बगैर इन्वेस्टमेंट के भी हम ये सारे काम कर सकते हैं। मगर चेयरमैन साहब का हम चूंकि मुसलसल बात करते रहते हैं, मुजीब साहब खासकर आपके लिए बात करते रहते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात अच्छे नहीं हैं, हमारे जो सेल पार्टनर्स हैं ज़ाहिर है आपके आप ज़ाहिर है आप लोग माशाल्लाह काफ़ी उसमें रीजनेबल फैमिली अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, मगर आपका जो स्टाफ है, आपके जो सब सेल पार्टनर हैं, सब सब सेल पार्टनर्स हैं वो काफ़ी परेशान हैं आजकल। लोग अप्रोच करते हैं आजकल जो इकोनॉमिक हालात है पाकिस्तान के, तो उनकी फ़िक्र जो है ना चेयरमैन साहब से हम जिक्र करते रहते हैं, मुजीब साहब खासकर। तो इस सिलसिले फिर मैंने हमें जाहिद साहब ने भी इंस्ट्रक्शन किया कि आप जो हमारे सेल पार्टनर्स को भी ऑन बोर्ड करें और ऐसे लोगों को भी ऑन बोर्ड करें जिनके पास पैसा है मगर उनको लगाने के लिए विजन नहीं है। तो इस सिलसिले में हमने फिर ये पूरा जो इनिशिएटिव जो है वन लिया, उसमें मेरा ख्याल है कि अगर हम डायरेक्ट अप्रोच करते उन इन्वेस्टर्स के साथ तो हम कर सकते थे, मगर मुजीब साहब का विजन विजन था कि हमने आप लोगों को ऑन बोर्ड करना है ताकि आप लोग और आपके जो खासकर सब डीलर हैं उनको हेल्प हो जाए। तो इस सिलसिले में आई अप्रीशिएट, ऑलवेज अप्रीशिएट मुजीब साहब कि वो मैं अक्सर कहता हूँ यार तुसी साढ़े वालों या उन्हों वालों, वो अक्सर मुझे जवाब मिलता है कैसे होना वालना, तो वो अक्सर जो है ना आपकी बात कर रहे होते हैं। तो ये जो इनिशिएटिव लिया है हमने उसमें आप लोगों को ऑन बोर्ड करने का एक मकसद ये भी था कि आपका भी अगले 2 साल रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा बूम आने वाला नहीं है, अभी आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि जो गवर्नमेंट करंट गवर्नमेंट है ये ऐसे कोई कुछ इकदाम ले रही हैं, 2 बड़े काम हैं जो हम डील कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। नंबर 1 टैक्स की में हम कोशिश कर रहे हैं कि टैक्स इतना ही गवर्नमेंट ले ले मगर सिंप्लीफाई कर दे, अभी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है टैक्स का निज़ाम। नंबर 2 जो बैंक का जो 27-28% 25% जो इंटरेस्ट रेट है वो वापस ला के
17 18 पे ले आए, 12 पे ले आए, तो इंशाल्लाह फिर बूम आएगा। इस पर एक साल लगेगा, दो साल लगेंगे। इस दौरान जो आपका जो सिस्टम है उसको चलाने के लिए फिर हमने कोशिश किया कि आपको ऑन बोर्ड करें, और जो भी इन्वेस्टमेंट आप लेके आएंगे ऑफ कोर्स फिर आपका उसमें शेयर होगा, हम ज्वाइंट मिली करेंगे। नंबर वन मॉडल तो जो जिससे मैंने अर्ज कर रहा था कि हॉस्पिटल्स और जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं वो तो पार्टनरशिप में होंगे। अभी जन्नत साहब जा रहे हैं यूके यूरोप, अभी फार्मूला बना राइटिंग में ला रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको राइटिंग में वो एक जो मॉडल है वो दे देंगे। इस तरह जो हमारा सिलिकॉन वैली है उसका डिफरेंट एक मॉडल है, वहाँ पे तीन मॉडल हैं हमारे पास। एक मॉडल ये है कि आप हमसे प्लॉट बाय करें, हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, आपको प्लॉट देंगे, जो भी आपकी एनओसी लेनी है आपकी बिल्डिंग बनाने की वो हम लेके देंगे गवर्नमेंट से, आप बिल्डिंग बनाएं, लाइफ टाइम आप उसके ओनर हैं, आप उसको चलाएं। सेकंड, अगर जिस तरह बताया बगैर सामने कि पैसे नहीं है प्लॉट के, नहीं देना चाहते, आपके पास थोड़े पैसे हैं तो आप वही पैसे प्लॉट के ऊपर लगाना चाहते हैं, प्लॉट के पैसे नहीं देना चाहते, तो आप जेवी कर लें। उसका हमारे चौधरी जुबैर साहब बैठे हुए हैं, इनके साथ हमारे 3 से 4 प्रोजेक्ट हमारे साइन हो चुके हैं जेवी पार्टनरशिप पे। इनसे हम एक भी पैसा, एक भी रुपया प्लॉट की कीमत के तौर पर नहीं ले रहे, बल्कि हम इनसे इन्वेंट्री ले रहे हैं, जो ये बनाएंगे उसको सेल करेंगे, सेल करके जो पैसा आएगा उससे मजीद बनाएंगे, कुछ अपने पास इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमें ये बिल्ट अप प्रॉपर्टी हमें शेयर कर लेंगे हमारे साथ। तो ऐसे ही मॉडल जो है हम सिलिकॉन वैली में लेके आ सकते हैं, या अदरवाइज अदर देन सिलिकॉन वैली जो हमारे बाकी मॉल हैं या कैंपस है या वो बनाना चाहते हैं, तो एज ए जेवी मॉडल शेयरिंग ऑफ बिल्ट अप प्रॉपर्टी हम वो एक मॉडल कर सकते हैं। एक ऐसा मॉडल भी हो सकता है कि वो हम जॉइंटली उसको रन करें, बनाए हैं मगर शेयर भी ना करें, उसमें हमारा जो प्राइस है प्लॉट की वह हमारी इक्विटी होगी, जो आपकी प्राइस आएगी बनाने में वो आपकी इक्विटी होगी, उसको कुछ सालों के लिए हम जॉइंट चलाएंगे, जो भी इनकम आएगा प्रॉफिट आएगा हम शेयर करेंगे, फिर वो BOT बेसिस पर जिस तरह हम कहते हैं वह ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारी कंपनी के नाम, तो ये भी एक मॉडल अवेलेबल है। तो हर जो चैप्टर है उसका अपना इन्वेस्टमेंट मॉडल है, उस सिलसिले में ये बड़ा लंबा चैप्टर है, बहुत लंबा एक डिस्कशन होनी चाहिए, एक सेपरेट चैप्टर रखेंगे, हम राइटिंग में लेके आ रहे हैं, हम पूरी बुकलेट जो है हमारे काशिफ शरीफ साहब बना रहे हैं, लिख रहे हैं हम लोग, वो आपको हम पेश करेंगे, उसके बाद फिर काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा आपको कि क्या हमारे इन्वेस्टमेंट मॉडल किस तरह से चल रहे हैं इंशाल्लाह। और इसमें जो है ना, हम काफ़ी क्लियर हैं, हमारा माइंड काफ़ी क्लियर है इन्वेस्टमेंट मॉडल्स पे, और हम काफ़ी जो है ईजी मॉडल बना के दे रहे हैं कि आपको फ्रंट एंड में पैसा ना देना पड़े, हमें ज़्यादा पेमेंट ना करनी पड़े, उसको अब बेबी बना के हमें आप शेयर करें हमारे साथ। जिस तरह हमने अनाउंस किया था, अभी दोबारा हम अनाउंस करने वाले हैं पे एज यू अर्न मॉडल जो है, आप हमसे हमें ना पैसे दें, आप उस प्रोजेक्ट को शुरू करें, उसको सेल करें, जब आप अर्न करेंगे हमें हमारे पैसे दे दें, तो वो एक बड़ा एक ईजी मॉडल है आपके लिए, अवेलेबल है छोटे प्लॉट्स के लिए भी, बड़े प्लॉट्स के लिए भी। और इसमें मैं ये बताता चलूँ कि हमने अभी 1-2 वीक में अनाउंस करना था, मगर मैं अपॉर्चुनिटी ले लूँ मुजीब, अगर आप मुझे कहें, हम जहाँ पे अभी ये भी मॉडल देना चाहते हैं कि जो हमारे कमर्शियल प्लॉट्स हैं, अभी आप लोग शुरू कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन, अभी मैंने तकरीबन 25 कमर्शियल प्लॉट शुरू करवा रहा हूँ, अगले वीक से मैं उसकी इंफॉर्मेशन रख रहा हूँ, तो अगर आप लोग प्लॉट लेकर जो प्लॉट आपके हैं वो शुरू करना चाहते हैं, तो उसकी इंस्टॉलमेंट को हम रिशेड्यूल करके आपको अलाउ करेंगे, आप जो पैसा हमें देने पेमेंट वो ऊपर लगा के आप उसको बना सकते हैं, उसको हम शेयरिंग पे हमारे साथ जा सकते हैं, या विला अगर बल्क में किसी ने बनाने हैं 10-20 विला बना के सेल करना चाहते हैं, तो हमसे हमें पेमेंट ना करें, 10 विला हमसे लें, जो भी हमारा मॉडल है शेयर कर लें हमारे साथ, बना के हमें दे दें, अपने बना के बेच दें, हमें हमारे दे दें, हम अपने खुद बेचेंगे, तो इस तरह ईजी मॉडल हमारे पास अवेलेबल है, तो आप उसको जो अवेल कर सकते हैं। थैंक यू। सर थैंक यू वेरी मच। सर इससे एक बात और भी समझ आती है, और मेरे ख्याल से आप लोगों को भी बड़ी इसमें आसानी से ये बात समझ आ जाएगी कि जब आप पार्टनर बनेंगे, तो जहाँ हम पार्टनर बनते हैं अच्छी चीज़ों के, आप ये समझ लें कि जितनी अप्रूवल्स और जो हमारे कुछ लोगों ने खुद भी से भी ऑफ कोर्स उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया है कि अदारों के साथ से NOC लेना, ये चीज़ें लेना, वो बड़ा मुश्किल काम होता है, तो ऑफ कोर्स जब आप इन चीज़ों के अंदर पार्टनर बन रहे होंगे तो आपकी ये भी काफ़ी हद तक जो हेडिक है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ऑफ कोर्स जो HRL की अपनी बैकिंग है या जो HRL के अपने प्लान्स हैं या HRL की अपनी जो एक स्ट्रेंथ है वो आपके ज़रूर काम आएगी आपकी प्रोजेक्ट को हेल्प आउट करने में।
और जैसे आपने बताया कि सर अभी सर ने भी बताया है कि अभी ऑफ कोर्स जो हमारी इकोनॉमी है या जो चीज़ें हैं रियल एस्टेट के अंदर, इसको टेक ऑफ होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि सारी जो पॉलिसीज़ हैं वो रिविज़िट हो रही हैं, और उसके अंदर इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि वक्त के साथ साथ बेहतरी आएगी। अभी बल्कि थोड़ी देर पहले मुझे वो राणा साहब जो हैं वो बता रहे थे, कहते जी मेरी परसों जो थे कि एक मोटिवेशनल जो स्पीकर हैं उनसे मुलाकात हुई, तो वो आपको सलाम दे रहे थे। मैंने कहा जी वालेकुम सलाम, तो मैंने कहा जी आप क्यों मिले, कहते जी मैं, उन्होंने कहा जी कि मोटिवेशन के लेक्चर के लिए मैंने कहा था कि जी कोई मोटिवेशन दे, मैं कह राणा साहब उन मोटिवेशन से गल बच चुकी है तो अब मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, खाली मोटिवेशन से जो है वो काम नहीं चल रहा।